आए दिन नई नई वारदातें होती हैं। बजाय कानून व्यवस्था को सुधारने के एक बयान आता है महिला मुख्यमंत्री की तरफ से कि मेरी सलाह है कि रात को लड़कियां अकेले ना निकलें। अध्यक्ष जी, कल रात जो घटना घटी वो रात्रि 9:30 बजे की है और महिला अकेली नहीं थी, उसके साथ उसका पुरुष मित्र भी था। तो ना तो घटना देर रात की है और ना लड़की अकेले थी। 23 बरस की फिजियोथेरेपिस्ट महिला 9:30 बजे एक बस में बैठती है द्वारिका जाने के, और अंदर जो बैठे हैं उनमें से कोई भी यात्री नहीं है। वो एक तरह का नापाक इरादा लेकर बैठे हैं। वो उस महिला के साथ छेड़खानी करते हैं, उसका पुरुष मित्र रेजिस्ट करता है, लड़ाई लड़ने की कोशिश करता है तो उसके सिर पर रॉड्स मारते हैं, लोहे की छड़ें, और उसके बाद उस बच्ची के साथ दुष्कर्म करते हैं और गैंग रेप करके उसको बस से नीचे फेंक देते हैं। कल हमारे यहां से कुछ महिलाएं हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा देखने के लिए गईं। डॉक्टर ने उन्हें मिलने नहीं दिया, लेकिन बाहर उसकी दास्तान सुनाई कि लड़की वेंटिलेटर पर है, उसके इंटेस्टाइन्स पूरे डैमेज हो चुके हैं, बचेगी कि नहीं बचेगी ये कहा नहीं जा सकता। आज सुबह पीठ से आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, जघन्य कृत्य, शायद इससे ज्यादा उपयुक्त शब्द इस घटना के लिए नहीं हो सकता। लेकिन ये एक अकेली घटना नहीं है अध्यक्ष जी, आए दिन ये घटनाएं हो रही है, और इसीलिए हम लोगों ने आज प्रश्नकाल स्थगित करके इस प्रश्न को उठाना चाहा था, लेकिन चूंकि आपने कहा कि आप शून्य प्रहर में इसको उठाने देंगी और स्वयं जब आपने कहा कि ये जघन्य कृत्य है तो हमको लगा कि ज्यादा शांति से अगर इस मसले को उठाया जाए तो जरूरी। बहुत बार मैंने इस तरह के कृत्यों के लिए कहा है कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए, लोग कह देते हैं कैपिटल पनिशमेंट खत्म हो जानी चाहिए। आप मुझे बताइए, इस तरह की घटना की शिकार महिला ना जिंदा में रही और ना मरे में रही, वो एक जीवित लाश बनकर के अपना जीवन जिएगी अगर बच गई तो। अभी जीवन और मौत का संघर्ष झेल रही है, पता नहीं बचेगी कि नहीं बचेगी, लेकिन अगर बच गई तो पूरी जिंदगी एक जिंदा लाश की तरह से गुजारेगी। क्या ऐसे लोगों को फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए? लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, अभी तो सब लोग गिरफ्तार भी नहीं हुए, केवल 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन क्या कर रही है दिल्ली पुलिस, क्या कर रही है केंद्र की सरकार, क्या कर रही है गृह मंत्री और क्या कर रही है दिल्ली की मुख्यमंत्री? ये सलाह देकर कि लड़कियां रात को अकेले न जाएं। जो कॉल सेंटर्स में काम करती हैं महिलाएं, पेट की भूख उनको ले जाती है रात में वहां, क्योंकि वो चलते ही कॉल सेंटर्स रात में है, मध्यम वर्गीय परिवारों की लड़कियां। लेकिन मैंने तो कहा कि कल की वारदात तो देर रात की भी नहीं है, अकेली भी नहीं है, इससे ज्यादा वो क्या करे। रात के 9:30 बजे एक पुरुष मित्र के साथ चलती है, लेकिन उसके साथ इस तरह की घटना घटती है। देखिए, आप स्वयं बताइए किन शब्दों में इसकी निंदा की जाए, कोई शब्द बचता नहीं है इसकी निंदा करने के लिए। इसलिए आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ, गृह मंत्री सदन में आए, इस पर वक्तव्य दें, क्या कार्यवाही केंद्र की सरकार इस पर कर रही है इसके बारे में बताएं, और ये पूरा सदन पुरजोर भर्त्सना करे इसकी, और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो इसके बारे में क्या कर रही है गृहमंत्री, इसके बारे में हमें आश्वासन दे। मुझे आपसे डॉक्टर गिरजा व्यास आ जाए इनके बाद, प्लीज एसोसिएट योर सेल्फ विद दिस एंड योर नेम। सर मैं बोलूंगी, पर मेरा महिला का विषय है, प्लीज दिल्ली से ज्यादा है महिला का विषय, दिल्ली से ज्यादा है महिला का विषय, बोल लेने दीजिए, विषय ऐसा है, बीच में ना डिस्टर्ब करें तो ठीक रहेगा। माननीय स्पीकर महोदया, प्लीज प्लीज टेक योर सीट। मुझे नहीं पता प्लीज प्लीज कि मैं पीड़ा से, दुख से, शर्म से, लज्जा से या क्रोध किस भावना से आज अपनी बात को इस सदन में रखूंगी।
माननीय सुषमा जी ने जो विषय उठाया वो विषय हर एक के दिल में, और मैं मेरे भाई से माफी चाहती हूं, लेकिन प्रत्येक महिला मैं सोचती हूं कि आज लज्जा से भी, क्रोध से भी, और निश्चित तौर पर हम लोग एक ऐसे भय के वातावरण में भी आज उन सब की तरफ से मैं यहां पर निवेदन करना चाहती हूं, जिन हालात में चाहे मुंबई हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे मेट्रो सिटीज हो, चाहे दूर दराज के गांव हो, चाहे पंजाब हो, चाहे स्टेट हो, कोई भी, आज जिस तरह महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं बढ़ती हुई चली जा रही हैं, और विशेषकर दिल्ली पर तो इसलिए ध्यान ज्यादा जाता है कि दिल्ली से सारे देश की महिलाएं बच्चियां यहां पर पढ़ने भी आती हैं, काम काज के लिए भी आती हैं, और यहां पर निश्चित तौर पर अपने भविष्य के लिए भी आती है, और अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए, रोजगार के लिए भी जाती हैं। पहले सुनने में आता था, और पहले मैं तो इसकी गवाह हूं, महिला आयोग में रोजमर्रा का कार्य था कि हर दूसरे तीसरे दिन इस प्रकार की घटना हो जाती थी, लेकिन कारों में, ये बस में, बड़ी बस में ये घटना घटती है, तो निश्चित तौर पर आज बहुत सारे प्रश्नों पर दिमाग जाता है कि इसका कारण क्या है। महोदया, मैंने सुनने रात को चेक किया था, आज के 2 साल पहले तक मुझे अभी का पता नहीं, लेकिन इन बसों में एक कांस्टेबल जाया करता था, ट्रेन स्टेशन पर भी मैंने सिक्योरिटी देखी थी, लेकिन कल की घटना के बाद यदि मैंने देखा, इसका पता किया, तो मुझे पता चला है कि बसों में किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो पेट्रोलिंग के लिए जो रात को कारें चला करती थी उनमें कमी हुई है। तीसरी बात यह कि कुछ प्रोन इलाके हैं जो बस से संबंधित भी हैं, और जो झुग्गी झोपड़ियों से या इलाकों से प्रोन आपके जाने हुए हैं, वहां पर भी जो पुलिस की जिस तरह से चौकसी होती थी वो चौकसी भी गायब है। 3 सालों के आंकड़े में आज केवल दिल्ली की बात तो कर ही रही हूं, लेकिन 3 सालों के देश के आंकड़े ये सोचने पर मजबूर करते हैं इस सदन को कि हम लोग जहां पर दूसरे सब्जेक्ट के प्रति तो जागरूक हैं, लेकिन महिला की अस्मिता के प्रति, जिसके लिए मैं केवल एक शब्द कहना चाहती हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने एक बार जब साक्षी वर्सेज यूनियन गवर्नमेंट के संबंध में अपना जजमेंट देने लगे थे, तब उन्होंने कहा था कि कभी कोई औरत मरती है या मारी जाती है तो वो एक बार मरती है, लेकिन जब किसी का रेप होता है, बलात्कार होता है, तो वो प्रत्येक पल मरती है। आज इसलिए इस विषय को गंभीरता के साथ लिए जाने की आवश्यकता। महोदया, मैं दुख के साथ आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, मैंने उठाना भी चाहता, हमने इस पर सेक्सुअल असॉल्ट बिल बना करके बहुत पहले सरकार को भेजा हुआ है, मैं चाहती हूँ आपके इसमें सूची में भी है। मैं आपके माध्यम से, मैं आज पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर साहब से भी, और विशेष करके अपोजिशन की हमारी लीडर से, अन्य सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि अविलंब उस बिल को सदन में लाकर के पास किया जाए। आईपीसी की इंडियन पीनल कोड की जो परिभाषा है रेप की, महोदया, वो भी परिवर्तित उसमें होनी जरूरी है, क्योंकि अब तक केवल जो एक्चुअल रेप है उसको रेप माना जाता है, लेकिन इंटेजिंग के नाम पर जो घटना होती है, मैं उसको भी जोड़ना चाहूंगी। एक केस मेरे पास आया था, मेडिकल कॉलेज की फाइनल ईयर की लड़की थी, और उस लड़की ने अचानक कॉलेज जाना बंद कर दिया, और हर 5 मिनट बाद वो नहाने के लिए गुसलखाने में घुस जाती थी। माँ मेरे पास लाई, मैंने कुछ काउंसलिंग की, और तब निकल करके आया कि गरीब घर की बच्ची, एक टीचर की बच्ची, किसी तरह मेडिकल के कॉलेज की परीक्षा के लिए जाया करती थी पढ़ने के लिए, और बस में उसके शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं होता था जिसके साथ छेड़छाड़ न हो, और उस हालात में उसकी हालात उस मानसिक स्थिति में हो गई थी कि वो हर पल सोचती थी कि मैं शुद्ध हो गई, मुझे नहाना चाहिए। बहुत मुश्किल से 7 बजे ठीक हुई। महोदय, इस विषय को गंभीरता के साथ, ये विषय इसका या उसका, इधर का या उधर का, महिलाओं का या पुरुष का, किसी एक स्टेट का या दूसरे स्टेट का, किसी एक वर्ग का या दूसरे वर्ग का नहीं है, ये हम महिलाओं का सवाल है, औरतों का सवाल है। माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी ने इस पर एक कमेटी सभी गवर्नर्स को लेकर के बनाई थी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ और सरकार से भी कि एक कमेटी, और पहले जो बन चुका है उनकी भी मीटिंग नहीं होती, उस संबंध में हम लोग चर्चा करें। महोदय, 5 चीजें इसमें बहुत जरूरी होती है। पहला होता है कानून का कड़ा होना, कानून है लेकिन आईपीसी में बहुत सी उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि इसमें एग्जीक्यूशन पार्ट है जो पुलिस का, उस पार्ट में ट्रेनिंग भी शुरू हुई थी, लेकिन उस ट्रेनिंग का हश्र क्या हुआ, किसी भी राज्य में अब पुलिस की कोई ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है। महोदय, राज्य का विषय है, राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार की तरफ से मैं निवेदन करना चाहती हूँ आपसे कि आप कहें कि वो उस पर ट्रेनिंग शुरू करें। तीसरा जो एग्जीक्यूशन पार्ट का हाल यह है कि जो रेप के एक्चुअल केसेस भी हैं
उनको भी पता नहीं किस धाराओं में वो बांट बुटा देते हैं कि वो जल्दी से छूट जाते हैं। एक राजस्थान की घटना है कि एक 7 साल की बच्चे के साथ रेप करने वाला कुछ दिनों के लिए गया, धारा ऐसी छोटी थी कि छूट करके आया, और छूटने के 15 दिन बाद ही उसने फिर से रेप किया, लेकिन इस बार वो रेप 3 साल के बच्चे के साथ किया और उस बच्ची को उसने मार भी डाला, उसके बाद उसकी मौत भी कर दी। इसलिए मैं इस बात को तो नहीं कहती कि यदि सजाएं मौत की होने लगी तो उन बच्चियों के साथ मारने की घटनाएं भी होगी, लेकिन जो सेक्सुअल असॉल्ट बिल है उसमें इस सब की बात है। तीसरा होता है अवेयरनेस का प्रोग्राम, ट्रेनिंग का प्रोग्राम, सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम। सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम दिल्ली पुलिस भी करती थी, आयोग भी करते थे, लेकिन सेल्फ डिफेंस के प्रोग्राम मुझे इन दिनों न तो किसी राज्यों में और न दिल्ली राज्य में दिखाई देता है। उस कार्यक्रम को आपके माध्यम से महोदय आप सरकार को निर्देश दें कि प्रत्येक सरकार हो सके कि इस प्रकार के सेल्फ डिफेंस के भी हो। महिलाएं तो जाएंगी, रात को भी नौकरी करेंगी, नर्सेस भी जाती हैं। मुझे आज ही मीडिया कर्मी की एक शिकायत मेरे सामने आई है कि उसमें रात को 10 बजे मीडिया कर्मी बच्ची किसी अपने कार्यक्रम को कर रही थी, उसके साथ छेड़छाड़ की गई, और ये छेड़छाड़ ईटीसी को भी सेक्सुअल असॉल्ट में एक तरह से रेप के समकक्ष ही माना गया है। और एक दंड की प्रक्रिया, जब तक दंड बहुत मजबूत नहीं होगा, हमें हमारी न्यायपालिका पर पूरी तरह से विश्वास है, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस हुए, बहुत से ऐसे मामला थे जिसमें उन्हें मृत्यु दंड तक का दंड दिया। चाहे कलकत्ता का ही मामला हो जो बहुत दिनों बाद तक निकल करके बहुत सालों बाद हुआ है, लेकिन प्रक्रिया इतनी लंबी है कि उसमें 10-10, 20-20 साल लग जाते हैं, इसलिए फास्ट ट्रैक की जरूरत है। महोदय 5 कदम कर लें कि पहली बात तो ये कि प्रिवेंशन के लिए सेल्फ डिफेंस हो, उसी के साथ साथ सुरक्षा कर्मी हर जगह पर हो। तीसरी बात, सेल्फ डिफेंस के साथ साथ पहले से वो प्रोन एरियाज पर सरकार की प्रशासन की निगाह हो, विशेषकर पुलिस की। और दूसरी बात, यदि घटना घट जाती है तो तुरंत प्रभाव से उनको पकड़ा जाए, उनको सजा के लिए जाया जाए। 164 के तहत उस महिला का या उस बच्ची का बयान हो, उसी समय उसका मेडिकल हो, विलंब से मेडिकल घटना को आगे बढ़ा देता है, और फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट हो। मैं माननीय दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी की मैं एक बात मैं तारीफ करना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी आपके माध्यम से कि उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात सुन लीजिए, मेरा जितना कड़ा कोई नहीं बोला है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बने उन्होंने इस बात को कहा है, और मैं चाहती हूँ कि आप उन पर दबाव डालें कि फास्ट ट्रैक कोर्ट न केवल दिल्ली में बल्कि प्रत्येक राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट बन सकता है। जब राजस्थान 1.5 महीने में इस पर फैसला सुना सकता है तो 10-10 साल तक रेप की बच्चियां कहां जाए। और तीसरी और आखिरी बात कि रेप विक्टिम के संबंध में शांत रहिए, रखो राजनीति नहीं कर रही हूँ, आप महिला के दर्द को सुनिए। महोदया 1.5 महीने में इसका फैसला एक राजस्थान के कोर्ट सुनाया था, और चाहे तो इस पर फैसला कर सकती है। प्रसिद्ध जो दार्शनिक ने कहा था, यू कैन दैट्स व्हाई यू शुड, सरकार भी प्रशासन भी कर सकता है, इसलिए उन्हें करना चाहिए। इसमें तीसरी बात चौथी बात है, सिविल सोसाइटी की भूमिका है। हम केवल यहाँ बैठकर चर्चा न करें, अपने इलाकों में इसकी निगरानी में भी हमारी भागीदारी हो। और मीडिया की भूमिका, जिसमें मैं तारीफ करना चाहूंगी मीडिया की, कि उनके द्वारा कम से कम बातों का पता हम तक चलता है। तो ये सब बातें होने के लिए आज इंटरवेंशन आपका बहुत आवश्यक हो गया है। मैं फिर कहूंगी, फिर दोहराऊंगी कि बहुत शर्म और लज्जा के साथ मैं एक औरत के एक दर्द को यहाँ पर इस सदन में रख रही हूँ, और ये दर्द ये पीड़ा कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है, ये दर्द ये पीड़ा केवल महिला होने के नाते नहीं है, यह दर्द ये पीड़ा एक मानवता के नाते है। और हम लोग कोई भीख नहीं मांग रहे, हम भी इंसान हैं और इंसान के साथ जीना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो घटना कल हुई है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है, और पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए शर्म से सिर झुका लेने वाली घटना है कि हम किस ओर ले जा रहे हैं अपने समाज को, जहां स्त्रियों का सम्मान नहीं होता। मैं सरकार के पक्ष से ये निवेदन करना चाहती, पूरे सदन की ये भावना है कि सख्त कदम उठाए जाए और तुरंत इस पर कदम उठाए।
कोई विलंब ना हो, कोई ऐसा संदेश न जाए कि इसमें विलंब हो रहा है, सख्त कदम उठाया जाए। मैडम मैं आपकी भावनाओं से और सदन की भावनाओं से अपने आप जोड़ना चाहता हूं, और ये मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से सख्त कदम उठाए जाएंगे, इसमें कोई कमी नहीं होगी। और ये घटना जो हुई है, इस घटना से केवल ये सदन ही चिंतित नहीं है, पर आज देश का हर सिटीजन बहुत चिंतित है। श्री मुलायम सिंह यादव। दत्त महोदय, मैंने पिछले सत्र में भी सवाल उठाया था और कहा था देश में सबसे खराब हालत तो गिरी हुई हालत है मुसलमान। ये हम नहीं कह रहे हैं, राजेंद्र सच्चा जी का जो कमेटी बैठी उस कमेटी की रिपोर्ट में आया है कि अनुसूचित जाति से और जनजाति से भी खराब हालत मुसलमानों की है। इसलिए मुसलमानों की संख्या के अनुसार आरक्षण किया जाए। जहां तक मुसलमानों का सवाल है, देश की सुरक्षा के लिए भी वो आगे बढ़ करके काम किया। अब्दुल हमीद जिन्होंने हिंदुस्तान की शान कायम रखा। तो आपने सुना, लोकसभा की तीन प्रमुख महिलाओं ने अपनी बात को रखा, नेता विपक्ष सुषमा स्वराज, सांसद गिरिजा व्यास और साथ ही खुद मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष, और तीखे तेवर। सुषमा स्वराज ने फांसी की सजा दिए जाने की वकालत की। उधर मीरा कुमार ने कहा कि यह हम अपने समाज को आखिर किस ओर ले जा रहे हैं जहां महिलाओं का सम्मान नहीं होता। सरकार की तरफ से संसदीय मंत्री कमलनाथ ने कहा कि सरकार की ओर से सख्त कदम उठाए जाएंगे, देश का हर नागरिक इस मुद्दे को लेकर चिंतित है। यही नहीं, आज तक रिपोर्टर के साथ जो छेड़छाड़ हुई उस मुद्दे को भी उठाया गिरिजा व्यास ने, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि एक रात बाद भी दिल्ली की सड़कों का ये हाल है। सरकार ने कहा कि दिल्ली में जो बलात्कार का मामला हुआ है, गैंगरेप का मामला हुआ है, उस पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। और जैसा कि मीरा कुमार ने कहा कि आखिर हम अपने देश को कहां ले जाएंगे। सुषमा स्वराज ने भी तल तेवर अपनाते हुए कहा कि दोषियों को फांसी दी जानी चाहिए। जिस तरह का बर्ताव उस लड़की के साथ हुआ है, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। दो मुद्दे यहां पर उठाए गए। तो स्पीकर ने भी सरकार को आह्वान किया कि इस मामले की जांच जल्द से जल्द खत्म हो। गिरिजा व्यास ने भी आज तक संवाददाता अंजना ओम कश्यप के साथ जो मामला है उसको उठाया। कल अंजना दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों की सुरक्षा को लेकर रिपोर्ट कर रही थी। उस दौरान कार में सवार तीन लोगों ने उन पर टिप्पणी की, जो हम लगातार अपने चैनल पर आपको दिखा रहे हैं। और ये मामला गिरिजा व्यास ने अपने भाषण में उठाया। नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने तल्ख तेवर अपनाते हुए कहा कि इस तरह की जो घटनाएं हैं, गैंगरेप जैसी घटनाएं हैं, इसके दोषियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। हम सीधे रुख करते हैं राज्यसभा का, जहां इस वक्त कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी इस मुद्दे को उठा रही हैं। रेणुका जी प्लीज अड्रेस द चेयर, प्लीज प्लीज।
डोंट पास द बक आइदर वे नो आप लोग बैठिए नेत्रिया सिंह बैठिए 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 नॉट हियर टू डिफेंड द गवर्नमेंट रेणुका जी यू एड्रेस द चेयर प्लीज लिसन एड्रेस द चेयर रेणुका जी यू एड्रेस द चेयर प्लीज यस सर नो नेत्रिया सिंह नो आई एम नॉट अलाउ यू No, no, please. आप बैठ जाइए आई विल अलाउ यू आई विल अलाउ यू लेटर दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ आवर टाइम प्लीज दैट देयर इज सच इनटॉलरेंस दैट दे डोंट वांट टू हियर अ वुमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू एट द एंड ऑफ द स्टोरी यू डोंट क्रिटिसाइज प्लीज सर लेट मी आई शुड बी परमिटेड आई एम सेइंग repeatedly incident आई एम नॉट हियर टू डिफेंड एनीवन आई एम हियर टू कंडेम एंड इफ यू आर केपेबल ऑफ लिसनिंग प्लीज लिसन सर द इश्यू इज I am not going to allow this incident to become another statistic. A young girl within her right, empowered by the constitution, moved around in Delhi. A terrible, terrible atrocity has happened. This cannot be compensated by cash. It will not be compensated by shouting in this house. It cannot be compensated by... यार कभी सुना करो फोन ना फोन बैठी है फोन फोन प्लीज मिस्टर दिस इज अ रिफ्लेक्शन दिस इज अनफॉर्चुनेटली अ वेरी सैड रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ वी रिएक्ट टू सच एन इंपॉर्टेंट इश्यू दिस इज एन इंसिडेंट सर दैट इट इज नॉट येट अनदर इंसिडेंट बिकॉज ईच इंसिडेंट इन इट्स ओन carries the tragedy of failure. The police, whose business it is to give us confidence as citizens, who should be involved in confidence building, are to take such determined steps that the fear should be there. How is it that these individuals who done this atrocity believe that they will get away with it? How is it that they actually have the courage? I won't call it courage, it's actually cowardice. That these men... No, please conclude. Please conclude. Please conclude. This is amusing. Please, no, please. Or wisdom, what is this? Please conclude. No, no. You don't listen to that. You say and conclude. So, sir, it is this breach of trust that comes around. Please. And my appeal is that the Home Minister is here. All of us women in this parliament, in giving an invitation through you, sir, that we should collectively go, meet with him separately outside this house, meet with the Commissioner of Police, meet with the Chief Minister of New Delhi to work out an action plan whereby such incidents do not happen again. Okay. It's not enough for us to treat this as yet another statistic and that tomorrow things will finish and day after another incident will happen. Kumari like Mayawati. I strongly condemn this. Kumari Mayawati. And join my honorable colleagues Kumari Mayawati. In condemning this incident. Kumari Mayawati. Honorable question. दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली में काफी लंबे अरसे से मैं ये देख रही हूँ कि आए दिन कोई दिन ऐसा जाता होगा नहीं तो लगातार आए दिन रोजाना तो दिल्ली में जो मासूम बच्चियां हैं महिलाएं हैं तो उनके ऊपर काफी दर्दनाक वारदातें हो रही हैं, उत्पीड़न हो रहा है, बलात्कार की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, तो ये काफी गंभीर बात है। और अभी रिसेंटली
तो एक बस के अंदर जिस तरीके से एक छात्रा के साथ जो सामूहिक जो बलात्कार की घटना हमारे सामने आई है, इससे पहले भी काफी घटनाएं आई हैं मासूम बच्चियों के साथ जो जुर्म ज्यादती हो रही है, बलात्कार जो उनके साथ किया जा रहा है, तो इस किस्म की घटनाएं जो दिल्ली में आए दिन हमारे सामने आ रही हैं, और इस संबंध में हालांकि उससे पूर्व काफी माननीय सदस्यों ने काफी कुछ बोला है, उससे तो मैं अपने आप को संबद्ध करती हूँ, लेकिन इसके साथ ही मेरा ये भी कहना है खास तौर से माननीय गृह मंत्री जी से कि जो इस किस्म की वारदातें करते हैं, जो इस किस्म के एलिमेंट्स हैं, तो उनके खिलाफ काफी सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। हालांकि ये जो अभी बस में वारदात हुई है एक छात्र के साथ, तो दिल्ली पुलिस ने इसमें काफी कोशिश की है, इसमें उन्होंने जो मुलजिम है उनको पकड़ा है, जो एलिमेंट्स है उनको पकड़ा है, लेकिन केवल काम पकड़ने से नहीं चलने वाला है। जो दोषी लोग हैं उनको पकड़ लिया है तो उनसे पूछताछ हो रही है, केवल पकड़ने से काम नहीं चलेगा, उनके खिलाफ इतनी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि फिर आगे चलकर तो जो लोग इस किस्म की वारदातें करने का वो जो कोशिश भी वो ना करें तो, और ये वारदातें आगे रुके, क्योंकि वारदातें हो जाती हैं, हम मुलजिमों को पकड़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ समय तक ये मामला गर्म रहता है, फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है। और मेरा माननीय गृह मंत्री जी से ये कहना है कि जब इस किस्म की वारदातें होती हैं और जब दोषी लोगों को पकड़ लेते हैं तो उनके खिलाफ क्या सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है, उसकी भी यदि सही मायने में पब्लिसिटी अच्छी तरीके से हो जाए, उसकी पब्लिसिटी अच्छी तरीके से हो जाए, तो जो लोग इस किस्म की वारदातें करते हैं तो मैं समझती हूँ कि उनका मनोबल गिरेगा। और इस तरफ भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न ना हो, हमें कानून में भी थोड़ा सा सुधार लाने की जरूरत है, कानून भी को भी हमें इतना और सख्त से सख्त बनाना चाहिए ताकि इस किस्म की वारदातें ना हो। और मुझे ये जो भी घटनाएं घटी है अभी पिछले दो तीन दिन में कई वारदातें हुई हैं और लगातार हो रही हैं, तो मेरा सरकार से यही कहना कि आपको सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए ताकि इस किस्म की वारदातों के ऊपर रोक लग सके। सर थैंक यू वेरी मच। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहां से शुरू करूं, क्योंकि पिछले तीन दिन से लगातार मैं इसके ऊपर बात करना चाहती थी मगर मुझे मौका नहीं मिला, और वक्त ऐसा हो गया है और ऐसा आ गया है कि कोई ऐसी घटना घट गई इस शहर में, इस देश में, जिसकी वजह से मुझे ये स्टैंड लेना पड़ा। मुझे कोई बहुत अच्छा नहीं लगता है कि मैं खड़े होकर प्रोटेस्ट करूं या पार्लियामेंट के किसी रूल को ब्रेक करूं, मगर सर मैं मजबूर हूं, मुझे इस तरह का स्टैंड लेना पड़ा। सबने बताया कल हिंदुस्तान की राजधानी में क्या हुआ। सर दुख की बात तो यह है कि एक महिला जर्नलिस्ट जो इस वारदात को कवर करने के लिए गई थी उनको मैन हैंडल किया गया। इट्स अ शेम सर। अरे इसलिए बहुत ऑर्डर बोलिए 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 क्यों कर रहे हो? आई एम लिसनिंग टू आल्सो। सर मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या क्या बोलूं क्या क्या ना बोलूं, थोड़ी हिल गई हूं, क्योंकि अब तक मैं सोचती थी कि हम लोग ऐसे देश में रहते हैं जहां महिलाओं को प्रतिमा माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है, दुर्गा को हम लोग पूजते हैं, कहते हैं कि ये शक्ति की प्रतिमा है, सारे हमारे इन विचारों पर पानी फिर गया सर, क्योंकि हर रोज हिंदुस्तान के किसी न किसी शहर में और खास तौर से हिंदुस्तान की राजधानी में इस तरह के वारदात होते हैं जहां शक्ति जो है कुछ कर नहीं पाता। सो
आई फील कि ये जो दिखावा है इस आडंबर को हमको बंद कर देना चाहिए सर. द वे वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक टुडे इट शुड हैव बीन डन अर्लियर. सर लुक एट द काइंड ऑफ रिपोर्ट्स दैट वी गेट ऑन दिस हाउस. ये मेरे पास रिपोर्ट है, आंकड़े दिए गए हैं, आपकी मंत्री ने दिया है विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के, उसमें आंकड़े हैं, आप देख के शॉक्ड हो जाएंगे. इस और सर ये जो आंकड़े उनके पास आते हैं वो ओनली केसेस विच आर रजिस्टर्ड विद द विमेन सेल. सर टाइम को मत देखिए प्लीज. सर प्लीज डोंट, दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस सब्जेक्ट. आई डू नॉट वॉन्ट टू मेक एन इश्यू आउट ऑफ इट. प्लीज अलाउ मी टू स्पीक. मोर पीपल या लेट पॉलिटिक्स. सर यहां आंकड़े दिए गए हैं दिल्ली में. नो जया जी प्लीज कंक्लूड. आई हैव टू अलाउ मोर पीपल, दैट्स अ पॉइंट. सर मैं नहीं बोलूंगी. आई विल प्रोटेस्ट आउटसाइड द हाउस. नो आई विल नॉट स्पीक. दिस इज नॉट फेयर सर. वेन एवर वी कम टू अ डिस्कशन अबाउट वुमेन फॉर लास्ट थ्री डेज आई बीन आस्किंग. आई एम नॉट बीइंग अलाउड इन वेरियस फॉर्म्स. आई एम सॉरी सर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. आई एडवाइस यू यू शुड गिव अ सेपरेट नोटिस. बट वी टेक अप अदर पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स. राज्यसभा इज नॉट मेंट फॉर दिस. राज्यसभा इज मेंट फॉर इश्यूज लाइक दिस. वी हैव टू डिस्कस इट. दिस इज द प्रॉब्लम एंड बिकॉज ऑफ आवर एटीट्यूड इन द हाउस द वुमेन आर बीइंग ट्रीटेड इन सच डिसरेस्पेक्टफुल मैनर इन दिस कंट्री. आई एम सॉरी, आई प्रोटेस्ट. I will keep standing. Yeah. I will not. Your remarks will not go. No, sir. I'm sorry. Allow. See, I am trying to accommodate maximum people. If I allow, please do not person, accommodate you women. You give a notice. We can have a separate discussion. आप notice दीजिए. You give a notice. अरे सर, हर कोई इस notice देके बलात्कार को भी करना चाहिए. शिवानंद तिवारी, श्री शिवानंद तिवारी. शिवानंद तिवारी. नहीं, मैं नहीं बैठूंगी. आप बोलिए. आप बोलिए. What can I do? सभापति महोदय, उपसभापति महोदय. सर यू कैन डू अ लॉट. इट इज इजी टू ब्लेम चेयर. आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन. आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन. आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन. यू शुड गिव फ्रीडम फॉर पीपल टू स्पीक. नो, इट इज नॉट गोइंग ऑन रेकॉर्ड. आई टोल्ड यू. नाउ आई कॉल शिवानंद तिवारी. जया जी, फॉर माय सिस्टर यू गिव अ सेपरेट नोटिस. यू विल गेट इनफ टाइम. You will get enough time. No, sister, I'm not safe in this country. Now you will get enough time, but not now. Sir, for a question like this, for a subject like this, there is no time. Do not bind us. Is it my fault? How can you blame me? No, sir, I'm not blaming you. No, Shivani, I'm not blaming you. कैसे बोले सर? Eh? You don't want to speak. Okay, if you don't want to speak, I will call the next. उपसभापति महोदय. इस मामले में अब तक जो कुछ कहा गया है, मैं उन बातों का समर्थन करता हूं और ये मैं चाहता हूं कि ये दिल्ली पुलिस की घोर असफलता है. और आज जो चार्ट निकला है उसमें ऐसा लगता है कि दिल्ली इस तरह की घटनाओं के लिए राजधानी बन गई. लेकिन एक दूसरी बात भी मैं करना चाहता हूं. लगता ही नहीं है कि यह देश जो है महिलाओं के रहने लायक रह गया. अभी हमने देखा केरल से एक खबर छपी कि एक भाई ने और उसके दोस्तों ने अपनी बहन के साथ बलात्कार किया. खबर आती है बाप ने बेटी के साथ बलात्कार कर रहा है. छोटी छोटी बच्चियां 4 बरस 5 बरस 6 बरस की उम्र की बूढ़ी महिलाएं 67 बरस 70 बरस की महिलाएं उनके साथ इस देश में बलात्कार हो रहा है. ये एक बिल्कुल सामाजिक और सांस्कृतिक संकट है इस देश में. तो आपने देखा कि काफी इमोशनल हो गई राज्यसभा में सांसद जया बच्चन इस मुद्दे को रखते हुए. और यह मुद्दा ही ऐसा है जो एक तरह से इस वक्त पूरे देश में गूंज रहा है. खासकर जिस पैमाने पर यह मुद्दा सामने उभर कर आया है, उस लड़की के साथ जिस तरह से ये बलात्कार हुआ था.